ताराचंद आने वाले चुनाव में दो जगह से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिस तरीके से आपने पिछले दिनों भी घोषणा की है। भाजपा का ये दावा है कि हमने जम्मू के साथ जो लंबे समय से एक अन्याय हो रहा था, हमने 6 सीटें बढ़ा के इनके साथ वो अन्याय कर दिया है। डेली वेजेस का मसला कांग्रेस के समय से चलता हुआ आ रहा है, इस सरकार ने भी बड़े बड़े वादे किए थे। अब सरकार के बाद लगभग केंद्र का ही हम राज मान सकते हैं, उस राज में भी डेली वेजेस का कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है कि डेली वेजेस दोबारा सरकार को पलटेंगे? भाजपा के लोग कहते हैं कांग्रेस के 65,000 लोगों के ऊपर किया गया पाप है जिसको हम धो रहे हैं। बॉर्डर के लोग जम्मू की सड़कों पर पुलिस की जाति को सह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में, और जिस तरीके से उनके साथ जाति हो रही है, उनकी पोस्टों को दोबारा एडवर्टाइज किया जा रहा है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये भी हमारी डिमांड है कि छंब उब्लीक खौड़ कर लीजिए, छंब खौड़ कंस्टिट्यूंसी कर लीजिए, लेकिन छंब का नाम हटाना नहीं चाहिए, खौड़ का नाम उसके साथ आप जोड़ सकते हैं। नमस्कार, जेके टाइम्स देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। तो जिस तरीके से जब से जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन रिपोर्ट का ड्राफ्ट जो है वो वायरल हुआ है, जगह जगह जो है विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। खिता पीर पंचाल की बात करें या आरसपुरा सुचेतगढ़ की बात करें, उसी तरह से आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के जम्मू डिस्ट्रिक्ट के खोड़ विधानसभा में भी कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन मैं आपको बता दूं कि डिलिमिटेशन रिपोर्ट के खिलाफ है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि खोड़ विधानसभा के प्रग्वाल को अखनूर के साथ जोड़ दिया गया है, और अखनूर के नैरा मांद्रिया और चौकी चोरा को जो है खोड़ विधानसभा के साथ जोड़ दिया गया है। कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता ताराचंद आप देख सकते हैं हमारे पीछे इस वक्त बड़े आंदोलन को, बड़े प्रदर्शन को यहां पर खोड़ में लीड कर रहे हैं। डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसके खिलाफ इनका ये प्रदर्शन जारी है। इसके अलावा जो बॉर्डर बटालियन की जो भर्तियों के लिए दोबारा एडवर्टाइजमेंट की गई है उसको लेकर भी ये प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। प्रग्वाल को जो अखनूर के साथ मिलाया गया है और खोड़ के साथ मेरा मांद्रा या चौकी चोरा को जोड़ने का विरोध ये लोग कर रहे हैं। कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता ताराचंद जी मौजूद हैं, जिन्होंने एक आज बड़ा आंदोलन करके यहाँ पे एक मेमोरेंडम SDM खोड़ को सौंपा है डिलिमिटेशन रिपोर्ट के संबंध में। और सर आपसे जानना चाहूँगा डिलिमिटेशन रिपोर्ट के संबंध में, जब से ये ड्राफ्ट वायरल हुआ है हर तरफ इसका विरोध किया जा रहा है, चाहे आरसपुरा सुचेतगढ़ की बात करें चाहे राजौरी पुंछ की बात करें, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि ये रिपोर्ट जो बनाई गई है इस पे पूरा होमवर्क जो है वो नहीं किया गया है, ग्राउंड पे जाके इसको नहीं देखा गया, कश्मीर के अंदर कराई है, रेस्ट वाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी बड़ी कराई है, पुंछ रजौरी के लोग इसकी कराई कर रहे हैं, कठुआ के लोग कराई कर रहे हैं, जिला जम्मू चाहे आप सुचेतगढ़ की बात करें, चाहे आरएसपुरा की बात करें, बिश्नाह की बात करें, हर जगह इसकी कराई हो रही है। अखनूर खौड़ छंब की बात करें, आप जानते हैं कि छंब जो है वो हमारा एक हिस्सा है जिसका कुछ पोर्शन 71 वार के दौरान जो है वो पाकिस्तान के पास चला गया, मजाटी एरिया हमारे पास ही था, इसीलिए जो पहले कमीशन बने उन्होंने हमारे इस असेंबली का नाम छंब ही रखा, आज वो चेंज कर दिया गया। तो ये भी हमारी डिमांड है कि छंब उब्लीक खौड़ कर लीजिए, छंब खौड़ कंस्टिट्यूंसी कर लीजिए, लेकिन छंब का नाम हटाना नहीं चाहिए, खौड़ का नाम उसके साथ आप जोड़ सकते हैं। और जो एरिया है जहाँ से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर हैं, चाहे वो घर मजूर तहसील का एरिया हो, चाहे वो चौकी चोरा तहसील का एरिया हो, वो खुद भी जहाँ नहीं आना चाहते इतनी दूर, उनको अखनूर के साथ रखा जाए। प्रग्वाल का एरिया जो तोड़ के तहसील को अखनूर के साथ जोड़ा गया, वो बिल्कुल हमीरपुर सिद्धड़ हमीरपुर कोना आपस में बराबर हैं, और आगे आके प्रग्वाल और इंद्री पतन बराबर है, मतलब पूरा एरिया हमारे साथ लगता है। तो उसके लिए उन लोगों की डिमांड है कि वो खोड़ के साथ रखा जाए। ताराचंद जी, आरएसपुरा और प्रग्वाल के लोगों की बात करें, लंबे समय तक ये लोग एक आरक्षित सीट के अंदर थे, अब दोबारा इनको कहीं दूसरी जगह से जोड़ के फिर आरक्षित कर दिया गया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि उनके साथ जायती है जी, उनको वो छंब के साथ चल रहे थे, उनको छंब के साथ ही रखना चाहिए था, छंब ओपन होती है तो वो भी ओपन हो जाए, छंब रिजर्व होती है तो वो भी रिजर्व हो जाए, उनको अलग क्यों किया गया? वो जायती हुई है उनके साथ, मैं भी वही बोल रहा हूँ। लेकिन भाजपा का ये दावा है कि हमने जम्मू के साथ जो लंबे समय से एक अन्याय हो रहा था, हमने 6 सीटें बढ़ा के इनके साथ वो अन्याय कर दिया है। ये न्याय, क्योंकि पब्लिक की आवाज़ जो होती है वो ऊपर वाले की आवाज़ होती है, ये जम्मू कश्मीर की पब्लिक बोल रही है कि उनके साथ क्या न्याय हुआ है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, जो पब्लिक बोल रही है उसी को मानने के वही सही है।
इसके अलावा अपोजिशन तमाम ये दावे कर रही है कि ये डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के दफ्तर में बैठ के बनी है। पिछले दिनों भाजपा के ही प्रेसिडेंट रविंदर रैना और उनके एक मंत्री शक्ति परिहार की ऐसी रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई जिसमें वो कह रहे हैं जी फलाना एरिया फलानी जगह जोड़ देंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं भाजपा के इन्फ्लुएंस में? तो मुझे रिकॉर्डिंग का तो मुझे इल्म नहीं है जी जी, लेकिन जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई है जी कहीं ना कहीं मदाखलत जरूर हुई। इसके अलावा आपने आज बेरोजगारों की भी बात की, बॉर्डर बटालियन, जब आपका दौर था तो बॉर्डर के लोगों के लिए स्पेशल भर्तियां होती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं इसी बॉर्डर के लोग जम्मू की सड़कों पर पुलिस की जाति को सह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में और जिस तरीके से उनके साथ जाति हो रही है, उनकी पोस्टों को दोबारा एडवर्टाइज किया जा रहा है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए जो मैंने पहले ही कह दिया है कि जो उन बच्चों के साथ जाती है जिन्होंने उस वक्त अप्लाई किया था, आज बहुत सारे बच्चे उनमें से ओवरेज हो चुके हैं और बहुत सारे नए बच्चे बाद में आ गए हैं, तो जो पहले एडवर्टाइजमेंट की थी वो लिस्टें निकाल देनी चाहिए थी जी। उसके अलावा नई पोस्टें जो खाली हुई है उनके लिए दोबारा से एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए थी, अलग से एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए थी ताकि उनके साथ भी बेइंसाफी नहीं होती और नए बच्चों को भी रोजगार जो है वो मिलता। ताराचंद जी, डेली वेजेस का मसला कांग्रेस के समय से चलता हुआ आ रहा है, इस सरकार ने भी बड़े बड़े वादे किए थे, अब सरकार के बाद लगभग केंद्र का ही हम राज मान सकते हैं, उस राज में भी डेली वेजेस का कुछ नहीं हुआ, क्या लगता है कि डेली वेजेस दोबारा सरकार को पलटेंगे? आपको जो मालूम होगा जी, डेली वेजेस लगाने के लिए हमने पोस्टें क्रिएट की है जी, हमने साधन क्रिएट किए, हमने ट्यूबवेल बनाए, हमने सड़कें बनाई, हमने बिजली के प्रोजेक्ट बनाए, हमने नए स्कूल खोले जिसमें आरईटी लगाए, तो हमने हजारों लोगों को रोजगार दिया। पहले पोस्टें क्रिएट की ताकि लोगों को पीने का साफ पानी मिले, लोगों को चलने के लिए सड़कें मिलें, लोगों को बिजली मिले, लेकिन वहाँ पोस्टें क्रिएट करके हमने डेली वेजेस लगाए और डेली वेजर की तनख्वाह भी हमने बढ़ाई और हम उनको परमानेंट करना चाहते थे। हमने सारा प्रोसेस जो है वो करके रखा था। लास्ट दिनों आपको मालूम होगा कि जो फ्लड आया जी, उस फ्लड की वजह से 3-4 महीने जो आखिर के थे हमारी सरकार का सारा कामकाज रुक गया और वो रुक गया। लेकिन भाजपा तो वाले कहते हमें पिछले 7 साल से बड़ी उम्मीद थी कि जो लोग जो हैं जम्मू के लोग हैं, इसमें ज़्यादातर जम्मू के लोग हैं और ये सरकार जो है हमेशा जम्मू के दावे करती रही है तो शायद इनको जो परमानेंट करे, लेकिन तो भाजपा वाले जम्मू के दावे हैं वो खोखले साबित हुए आज तक इन्होंने उन बेचारों का कुछ। भाजपा के लोग कहते हैं ये कांग्रेस के 65,000 लोगों के ऊपर किया गया पाप है जिसको हम धो रहे हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, जो लगे हैं उनको मालूम है हमने पोस्टें क्रिएट की, उनको रोजगार दिया और वो खुश हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि उनका परमानेंट होना ज़रूरी है। कल फिर हम आएंगे, कल फिर हम आएंगे तो हम अपने इस पाप को जो हमने पुण्य किया था जिसको जो पाप कह रहे हैं इस पुण्य को हम और आगे बढ़ाएंगे। आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि बेरोजगारी, डेली वेजेस ये सब चुनाव में मुद्दा रहेंगे या जिस तरीके से देखते आए हैं कि चुनावों में हिंदू मुसलमान या जातिवाद वही एक खावी रहेगा? हमने अपने समय में जब भी चुनाव हुए लोगों के साथ हमने झूठे वायदे नहीं किए, हमने यही कहा कि अगर आप हमें मौका दोगे कि हम आपकी सेवा कर सकें, अपना नुमाइंदा हमें चुनोगे तो हम दिन रात एक करके मेहनत करेंगे ताकि लोगों की मुश्किलातों का हल हो, तो हमने वही हल किया। डेली वेजर लगाए, परमानेंट लगाए, आरईटी लगाए, दूसरे महकमों में परमानेंट पोस्टें निकाली, हमने सेक्रेटरीट में लगाए, हमने असम्बली में लगाए, हमने हर एक महकमे में परमानेंट भी डेली वेजर भी लगाने की कोशिश की, हमने सड़कें बनाई, हमने पीने के पानी के साधन ट्यूबवेल डगवेल तैयार किए, हमने रिहेबिलिटेशन पैकेज लाया जिससे बॉर्डर के लोगों को दो जगह, एक जगह हमने कॉलोनी बना के दी, वहाँ प्लाट दिए, पैसे दिए ताकि जब भी बॉर्डर पे टेंशन हो वो वहाँ जाके ठहर सके, और जो उनके पुराने घर थे वो भी रिपेयर करने का हमने पैसा दिया। हमारा कोई इलेक्शन का मंशूर नहीं था, इलेक्शन का वायदा नहीं था, लेकिन हमें मौका मिला, हमने जो ज़रूरत महसूस की कि हमारे लोगों को अब ज़रूरत है जो मदद करनी चाहिए वो हमने की। आइंदा भी जब हमें मौका मिलेगा, जहाँ से हमने छोड़ा था क्या क्या कमियाँ हैं वो हमें मालूम है क्योंकि इन्होंने तो किया कुछ नहीं, हम वहीं से शुरू करेंगे और फिर लोगों को और अपनी रियासत को खुशहाल। क्या ताराचंद आने वाले चुनाव में दो जगह से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिस तरीके से आपने पिछले दिनों भी घोषणा की है? देखिए अभी डिलिमिटेशन की फाइनल रिपोर्ट जब आती है उसके बाद ही इसका फैसला लो। धन्यवाद। तो ये थे जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ताराचंद, जिनसे हमने तमाम सारे सवालों के ऊपर जवाब लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हम आगे भी बेबाकी के साथ इन नेताओं से लोगों के जुड़े हुए संबंधित सवाल जो है वो पूछते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहिए जेके टाइम्स के साथ, हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन विशाल के साथ जय हिंद जय भारत।